अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मानूर उमर एंड यू आर वॉचिंग योर फेवरेट शो बूझो तो जी। तो वेलकम टू ऑन शो, आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज हमने जो लोकेशन चूज़ की है वो है लिबर्टी मार्केट। लिबर्टी मार्केट आपको पता है बहुत फेमस मार्केट है, जिससे हम अनारकली जाया करते हैं। इसी तरह ये भी मार्केट बहुत फेमस है। लोग जो हैं वो आते हैं दूसरे शहरों से, तो वो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करते हैं, चाहे उन्होंने कुछ ख़रीदना हो या ना ख़रीदना हो। अब आपको पता है कि सितंबर जो है वो ख़त्म होने वाला है, ख़त्म हो गया है ऑलमोस्ट, और अक्टूबर जो है वो स्टार्ट हो गया है। उसमें आपको पता है कि वेडिंग सीज़न स्टार्ट है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक जो है ना वो शादियों का सीज़न रहने वाला है। उसके लिए बेस्ट मार्केट लिबर्टी मार्केट है। आप यहाँ पर आएँ, शॉपिंग करें, अपने मनपसंद जो है वो जोड़े ख़रीदें, काम करवाएं, बहुत सारी रीज़नेबल प्राइसेस पे यहाँ पे भी चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं। तो लिबर्टी मार्केट के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है। आज जो हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे आज के सवाल से, सवाल हमारा ये है, कॉमन सेंस का सवाल, कि वो क्या ऐसी चीज़ है जिसको जितना मर्ज़ी खा लिया जाए वो पूरी की पूरी ही रहती है, आधी नहीं हो पाती। वो क्या हो सकते हैं? आइए लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद साबिर। साबिर, कैसे हैं आप? ठीक है। अरे मालिक का। साबिर का मतलब है सबर करने वाला। जी। कितने अरसे से सबर ही कर रहे हैं वैसे आप लग रहे हैं? जी अल्लाह। कब हुआ ये आँखों का मसला आपको? आँखों का मसला बचपन में। बचपन से हुआ है? हाँ जी हाँ जी। अंदाजा हो जाता है रास्तों का? अल्लाह के आसरे पे, इस लाठी के आसरे पे चल रहा हूँ। ये अच्छी बात है कि आपने पहले कहा कि अल्लाह के आसरे पे और उसके बाद लाठी के आसरे पे। तो आप मुझे बताएं कि अभी आप क्या कर रहे हैं लिबर्टी में? अभी आप ये जो तुम्हारे सामने नाते पढ़ रहा हूँ। नाते पढ़े हैं, सुनाएंगे कोई नात हमें? हाँ जी सुनो। आइए। या रसूल अल्लाह, तेरे दर के फजाओं का सलाम, गुंबदे खजरा के ठंडे ठंडे छाओं का सलाम, जो मदीने के गले को जाम में देते सदा, उन फकीरों रागीरों और गदाओं का सलाम, उन फकीरों रागीरों और गदाओं का सलाम, मस्जिद नबवी के सवारे शाम का सलाम, या नबी तेरे गुलाम के गुलाम का सलाम, या नबी तेरे गुलाम के गुलाम का सलाम, या रसूल अल्लाह, तेरे दर की फजाओं का सलाम। अल्लाह आपको बहुत शुक्रिया आपका। इतने सारे लोग आपको देख रहे हैं, आप सबको सियात अता फरमावे, सबको आमीन आमीन। आप क्या कहेंगे? आप अल्लाह ताला ने तमाम लोगों को तमाम हिस्से अता किए, उनको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जी बिल्कुल, अल्लाह पाक सबको सियात अता फरमावे,
सबको तंदुरुस्ती अता फरमावे, आपको भी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमावे। मैं वैसी बड़ी सेहतमंद हूं। अल्लाह अल्लाह आपको चलने की तौफीक अता फरमावे। आमीन। मैं चलती हूँ। अल्लाह अल्लाह का शुक्र है। आपको भी अल्लाह सेहत दे, कोई मौजजा कर दे कि आपकी बिनाई वापस आ जाए। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा कि इन लोगों को देखकर हमें ये रियलाइज़ होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें तमाम हिस्सों से नवाजा है। हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, सूंघ सकते हैं, हाथ टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ये सारे काम हम कर सकते हैं, चल सकते हैं। खुदा न खासा हमारे हाथ बाजू ये सब सलामत है जिन लोगों के, उनको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इनको देख के जो है ना, वो मुझे ये एहसास हुआ है कि हम किन चीज़ों में पड़े हुए हैं और इनको देखें कि ये बेचारे किस तरह से बाहर निकले हुए हैं। हम आगे बढ़ते हैं और लोग हैं उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। क्या नाम है आपका? वकार मलिक जी। आपका क्या नाम? हादिया वकार। आपका? मारूश वकार। मारूश वकार। अच्छा, मुझे बताएं आज आप लोग लिबर्टी में क्या, पहले बताएं कैसे आप लोग, ठीक है? ठीक ठाक। कहाँ से आए हैं? भेरा से। भेरा से आए हैं। अच्छा, भेरा एक हमारा बड़ा पॉइंट है इस्लामाबाद के रास्ते में जाने वाला, जहाँ पे ज़्यादातर वहीं पे लोग स्टे करके, मिड पॉइंट है वो। तो आज लाहौर कैसे आना हुआ? लाहौर हमारे, मेरा बिजनेस है लाहौर में, और बच्चे तकरीबन वीकेंड पे आते हैं कभी कभी शॉपिंग करने के लिए। ये जगह ज़रा सिक्योर है, यहाँ पे हम लोग इजीली घूम फिर सकते हैं, बच्चे भी सिक्योर होते हैं, इसलिए इधर ही प्लान। आपने सोचा नहीं कि फैमिली को आप लाहौर ही मूव करा लें? लेकिन जो सारी सहूलियात लाहौर में है वो भेरा में भी अवेलेबल हैं। फूड स्ट्रीट बड़ी, वहाँ पर लोग लाहौर से भेरा जाते हैं मोटरवे पर स्पेंड कर। ऐसे ही है कि बोर हो रही हूँ मैं तो, अभी अपनी प्रोड्यूसर से कही थी बड़ा दिल चाह रहा है इस्लामाबाद जाने का, वो जो रुक के मज़ा है ना भेरा पे रुकने का, वो एक अलग ही बात है। आप बताएं आप क्या करती हैं, पढ़ती हैं? जी। क्या पढ़ी हैं? मैं 8th क्लास में। क्लास में। आप मारूश? 3rd क्लास में। 3rd क्लास में। मारूश क्या बनना चाहती हैं आप बड़ी होकर? डॉक्टर। डॉक्टर? कौन सी वाली डॉक्टर? दांतों की, आँखों की, दिल की, दिमाग की? किसकी डॉक्टर बनेंगी? सारों की। सारों की डॉक्टर बन जाएंगी, समझ ही नहीं आएगा क्या ठीक करना है मैंने। आपका बिजनेस ठीक चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी बात है। दोनों बेटियां आपकी हैं, बेटियां लोगों को अक्सर बड़ा बोझ लगती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तीन बेटियां माशाल्लाह। तीन बेटियां हैं माशाल्लाह। कह रहा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह जन्नती बंदा हूँ। अल्लाह पाक ने, हुजूर पाक ने स्पेशल कहा है कि जिसकी तीन बेटियाँ औलाद हैं उसको जन्नत की बता दिया गया उनको। अल्हम्दुलिल्लाह जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। ऐसे ही अगर शुक्रगुजार लोग मिल जाएं जो बेटियों के बाप हैं, वो उनको परेशानी होती है ना कि बेटियां, तो वो बस उनके नसीबों से डर लगता है। नसीब खुले हैं, एक एक आइए मेरे नसीब खुलते हैं, मेरा अपना कारोबार है, घर है, गाड़ी है, बिजनेस है। यानी कि जो मर्द हजरात कहते हैं कि बेटा उनको कहना चाहिए बेटा तो चले दे, वो भी नेमत है, लेकिन उनको ये भी दुआ करनी चाहिए कि मेरे नसीब खुलने के लिए बेटी का लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, अल्लाह पाक जिद करके अल्लाह से बेटी लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो शुक्र अदा करता हूँ रब का कि मैं इनका बाप हूँ और मुझे अल्लाह पाक ने तीन रहमतें दी हैं माशाल्लाह। आपको कैसा लगता है आपके अब्बा इतने जो है वो बाबा इतने माशाल्लाह वो खुश हैं बेटियों के होने पर, आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा। अच्छा लगता है। किसको आप आइडियलाइज करती हैं? अपने बाबा को। बाबा को ही? मामा किधर है? मामा को किधर छोड़ा? शॉपिंग के। यानी कि अब वो बाहर नहीं आने वाली? 6 अक्टूबर को मोहम्मद की, उसके लिए कपड़े कपड़े को खरीद रही है। मोहम्मद को हमारी तरफ से एडवांस हैप्पी बर्थडे। अब मुझे बताएं हमारा आज का सवाल है कॉमन सेंस का कि वो क्या चीज़ है जिसको आप जितना मर्जी खा लें वो आधी ही रहती है? दिमाग। पूरी ही रहती है, सॉरी। दिमाग? नो नहीं। दिमाग? वो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, सवाल मेरे से भी गड़बड़ हो गई है। वो क्या चीज़ है जिसको जितना मर्जी खा लें वो पूरी ही रहती है? मारूश को लगता है जहन में कुछ आया है। आप बताएं। कॉमन सेंस ही चल रही मुझे लग रहा है, मेरी भी नहीं चलती। आप बताएं मारूश, कुछ सुनाएंगी? पोइम आती आप? नहीं आती पोइम? ये तो नामुमकिन बात है, नहीं आती। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा हमें एक दफ़ा एक प्रोग्राम में पहले भी एक शख्स मिले जो इतना मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। मैं कहती हूँ कि बेटियाँ जो है ना वो अल्लाह ताला से ज़िद करके लेनी चाहिए कि अल्लाह हमें बेटी अता करे, बेटियों से आपको पता है नसीब खुलते हैं। हम आगे चलते हैं, बढ़ते हैं और लोग हैं यहाँ पे लिबर्टी मार्केट में, उनसे बात करते हैं। आइए व्यूअर्स। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मैं, मेरा नाम है मारिया। मारिया, मारिया आपकी तो उर्दू बड़ी अच्छी है, सारे कह रहे थे आप उर्दू बोल ही नहीं सकती। मैं थोड़ी सा बोल सकती हूँ। कहाँ से आई हैं आप? Where are you from? मैं पाकिस्तान से हूँ लेकिन मैं दुबई से आई हूँ। ठीक है, वैसे आप पाकिस्तान बॉर्न हैं?
मैं शारजा में वहाँ पैदा हुई हैं। यूएई शारजा। यूएई में पैदा हुई हैं। तो आप मुझे बताएं कि कौन कौन सी जगह आपको ज़्यादा अच्छी लगती है, आपको पसंद आती है, कि आप दुबई में रहना अच्छा लगता है या आपको पाकिस्तान में आना अच्छा लगता है? दोनों मेरा फेवरेट है। दोनों फेवरेट हैं। तो यहाँ पे कौन कौन है आपकी नानो दादो फैमिली? मेरा सब लोग हैं। सब लोग हैं आपके? तो मामा आपके साथ उर्दू नहीं बात करती? उर्दू में थोड़ा थोड़ी इंग्लिश में बात करती हैं वो आपसे? सब नहीं, थोड़ा थोड़ा उर्दू, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश। ठीक है, चले। आप मुझे बताएं कि आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है? जी। क्या नाम है उसका? मेरे पास तीन है। क्या नाम है उनका बताइए? जबीन, महली और सारा। अच्छा, डू यू वांट टू से समथिंग अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड्स? नहीं। नो एनी मैसेज? सारा वो मेरा फर्स्ट, महली सेकंड। यू कैन स्पीक इन इंग्लिश? मेरा पहले सारा, सेकंड महली, थर्ड जबीन। ठीक है, चले। आप मुझे बताएं कि हु इज योर फेवरेट, मामा और बाबा? दोनों बहुत अच्छा। बताइए मुझे, हमारा एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि आपकी, देखते हैं हम कॉमन सेंस कैसी होती है, क्विकली आप आंसर करती हैं कि नहीं। वो क्या चीज़ है जो आप जितनी मर्जी खा लें वो पूरी ही रहती है? वो पूरी ही रहती है। फूड ही है, फूड की ही एक चीज़ है। नाश्ता आपने ट्राई किया है कभी लाहौर का? जी। ब्रेकफास्ट जो? जी, मैं चने खाती हूँ, ब्रेड खाती हूँ, नान खाती हूँ, पराठा खाती हूँ। चलें, बताएं मुझे, निहारी भी पसंद है आपको? अच्छा, चलें। आज आप किसके साथ आई हैं, शॉपिंग के लिए आई हैं? जी। क्या क्या ले लिया बताइए? मैं सिर्फ अभी आई हूँ। अभी आई हैं। अच्छी लगी आपको लिबर्टी मार्केट? जी, अच्छी लगी। चलें, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू व्यूअर्स, आपने देखा कि बड़ी प्यारी बच्ची थी और यूएई से आई थी, थोड़ी थोड़ी उर्दू आती थी, थोड़ी थोड़ी जो है वो इंग्लिश आती थी, जिसमें वो कंफर्टेबल थी बात करने में वो उन्होंने कर ली। हम आगे बढ़ते हैं और लोग उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? विशाल अकरम। विशाल, मौसम कितना अच्छा है ना, जबरदस्त, बाल उड़ रहे हैं। अच्छा हुआ है, काफी दिनों बाद अच्छा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि कोई ड्रामे का सीन चल रहा है, हवाएं चल रही है, बाल उड़ रहे हैं। विशाल मुझे बताएं आप क्या करती हैं? मैंने अभी एडमिशन लिया है फिल्म एंड टीवीज में। अरे जबरदस्त, यानी ये मैंने कैसे गेस कर लिया, कैसे गेस कर लिया कि मैंने देख लिया कि फ्यूचर डायरेक्टर मेरे साथ जो है वो सामने खड़ी हुई। मुझे बताएं फिर आप मुझे अपनी फिल्म में लेंगी? इंशाल्लाह जरूर, मौका। थोड़ी थोड़ी सी एक्टिंग मैं भी कर ही लेती हूँ थोड़ी थोड़ी। क्या सोचती हैं अपने बारे में कि मैंने कहाँ तक पहुँचना है, क्या करना है? इंशाल्लाह मेरा है कि फिल्म वगैरह में और इनमें काफ़ी आगे जाऊंगी मैं, फिल्म मेकिंग में और फोटोग्राफी मेरा पैशन था शुरू से। आपको पता है कौन से डायरेक्टर्स हैं जो फेमस हैं, आप उनकी तरह बनना चाहें? नहीं, बट मुझे फोटोग्राफी का था पैशन, फोटोग्राफी का शौक था। अच्छा, बड़ी वैसे कम रेयर लड़कियाँ हैं जो फोटोग्राफी कर रही हैं, मेरे ख्याल है कि उनको करनी चाहिए। बड़ी अच्छी लगती हैं, वेडिंग में आती हैं और कर रही होती हैं। फोटोग्राफर ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं अब। और ज़रा जो हमारे कुछ ऐसे बुजुर्ग हजरात हैं जिनको नहीं पसंद कि उनकी बेटियाँ जो हैं वो फोटोग्राफर्स के साथ जा के जो है वो तस्वीरें खिंचवाएँ, तो उनके लिए कम्फर्टेबल होता है कि फीमेल? एग्जैक्टली। विशाल, हमारा आज का सवाल है कॉमन सेंस का कि वो क्या चीज़ है जो जितनी मर्जी खा ली जाए वो पूरी ही रहती है? किसी का दिमाग ही खाया जा सकता है, वो बाद में पूरे रहता है। नहीं, गलत जवाब, ये खाने वाली चीज़ है। अच्छा, खाने वाली चीज़ है, जितनी भी खा ली जाए पूरी रहती है। आई डोंट नो। नहीं आता। मुझे बताएं, कुछ सुनाएंगी, कोई शेर, गाना, एनीथिंग? कुछ भी नहीं। कोई मैसेज? कोई मैसेज यही है कि हमें अपने फ्यूचर पे ज़रा फोकस करना चाहिए, करियर हमें देख के अपना करना चाहिए और अपने जो काम आपको जो भी आप सिलेक्ट करें उसमें पैशनेट रहें बस। बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा मैसेज दिया, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आपने देखा कि विशाल ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि कोई भी काम आप सेलेक्ट करें तो फिर उस पर रिग्रेट ना करें और पैशनेट होके करें तो आप अपनी मंजिल पर पहुँच जाएंगे। बस यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस।
वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस से। इस वक्त हमें लिबर्टी मार्केट में बढ़ते हैं, लोगों की तरफ रश है, लोगों का, लोग आए हुए हैं। मौसम भी आज थोड़ा बेहतर लग रहा है शाम में, तो चलिए बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राना ताहिर है, ये मेरा बेटा अली है जिनकी शादी हो गई थी। बिल्कुल, ये शादी होगी, बस मैं तो पछता रहा हूँ शादी करा। ये ऐसे देखो दर गुजर करता है, चीजें लेके जाता है ना, जब कोई खाने पीने वाली चीजें ला खिला देता है तो हम मियाँ बीबी तस्वीर करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं कि ये हमारे भी लेके आएगा, तो कह देगा अब्बा जी सो जाओ हूँ तुम। अच्छा, यानी कि आप कहना चाहते हैं कि ये बाहर से कुछ खाने की स्पेशल चीज लेकर आते हैं तो सीधा छुप छुपीते कमरे में चले जाते हैं, छाते एसी यार आ गए ऐसी थले गर्मी च कूलर जाती वाली बात है। वैसे पहले खा जाते हैं, यकीन करें, मेरे आने से पहले कभी मछली खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, बेटे को पूछते ही नहीं है असी क्या लग जाना दलिया ताड़ी उम्र है मछली खानी सुला भी नहीं मारते औलाद को। मछली ना इसमें कुव्वत है, ताकत है, इसमें ये है कि कमर में दर्द है। वो प्रॉन मर्द हजरात मछली इतनी शौक से क्यों खाते हैं? इसमें ना विटामिन है, इसमें ताकत है, शफा है, मान गए तो ये इतनी कि पाइया लेके जानी है। वो अब 2,000-2,500 रुपया कर दिए पाउंड, वो बहुत महंगी हो महंगी बेटा कर दी। उनका फिर माइंड बना हुआ है बेगम मछली खिलाने का, वो 500 रुपया बिल्कुल। दुकान तो भी कह रहा बाबा मुझे ना वो बोतल पीनी है, मैं कहा है नहीं पैसे, वो देखा तो मैं चोरी चोरी देखा 500 निकल आया, 500 च बट्टा मार के ले गया। अच्छा ये मुझे बताएं कि शादी के बाद ये तो ये कर रहे हैं, लेकिन ये बदले कितना है ये बताएं? बदले हूं तो बुड्ढी दा ही है जी, यकीन करें। अभी इसकी मम्मा ने फोन किया, अपनी वाइफ के हैं बहुत प्यार के, मम्मा ने फोन किया कि वो ना बताती है ना कुछ है, वो चल जाती ससुराल वालों। मैं कहना क्यों है? नहीं तो आप मुझे बताए ना, देखिए बेटा बाप से ही सीखता है, वो कह रहे हैं ये भी ऐसे ही करते हैं। मेरी देखो बुड्ढी तो इतना दिखी नहीं है, अरे जीते हजे कहता गाती नहीं इधर देखता है, ये झूठ बोल रहे हैं। मुझे बताएं अगर आप दूसरी शादी की ऑफर आपको हो, कोई लड़की आपको कहे कि मुझसे शादी कर लें, आप क्या कहेंगे? मैं नहीं करूँगा। क्यों? शादी एक ही अच्छी होती है। नहीं फिर तो फिर इधर उधर नजरें क्यों डालते हैं आप ये बताएं? वो तो हम मोहब्बत से देखते हैं ना, मोहब्बत। देखो बेटा आप इतनी प्यारी गुड़िया, आपको मोहब्बत से प्यार से बात कर लो, इसकी बीवी शिकायतें करती जी वो लड़ो, वो मेरे से लड़ती है। अच्छा लड़ाई लड़ाई कितनी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं शादी, क्योंकि मुझे याद है आपकी पिछले सर्दियों में शादी हुई है, ऐसे कई बार सुलह कराई आपने कराई है और किसी कराऊँ? क्यों भाग जाती है? लड़कियों में इंटरेस्ट रखता है। मैं कहता तुम कितना पता पता, कह रही ये इसके मैसेज आते हैं, ये तस्वीरों में वो कहता है ये कलर अच्छा है, ये कलर अच्छा है, ये आप पे सूट करेगा, ये ज्वेलरी का काम है ना। वो मैं कह बेटे ये काम ही इंज का वा ज्वेलरी का है, तू ये हल ना इस तरह करेगा, अरे तेरा है पक्का तेरा है निकाह कहता है। अच्छा वैसे एक निकाह वाली औरत को ना हौसला होता है कि जहाँ मर्जी चला जाए वापस तो इसने मेरे पास ही आना है ना, लेकिन इस बात का फायदा जो है वो मर्द बड़ा उठाते हैं। नहीं नहीं मर्द नहीं उठाते, उठाते हैं। अच्छा मुझे बताएं इतनी मोहब्बत के साथ रखते हैं तो मर्द सिर्फ अपनी बीवी से प्यार करें ना, आप हस्बैंड ने भी आपको कितनी मोहब्बत के साथ रखा हुआ है, माशाल्लाह आप और ज्यादा खूबसूरत हो गई हैं। जब से शादी हुई ना इसकी बीवी मुझे शिकायतें लगाती रहती है कि पापा वो उधर जाते हैं, वो उनसे बातें करते हैं, इधर बातें करते हैं, मैं उसको प्यार से बड़ा दम करता हूँ, बिस्मिल्लाह शैतान आ जाता है ना जब मियां बीवी में, तो शैतान खूबसूरत हो गया माशाल्लाह। आप मुझे बताएं कभी ऐसा हुआ है कोई कस्टमर आई हो उसने कहा कि प्लीज ये झुमका आप अपने हाथ से पहना दें, तो आपने पहना दिया? कई बार पौधा ये होती है खलूस की इंतहा, मोहब्बत की इंतहा, फिर आपकी बीवी ना लड़े आपसे, वो कहते ऐसे देखो ऐसे, फिर मिरर आगे करता है वो सारे देख लेती होती है, मोबाइल है ना उसके पास, उसने नेट लगाया उस पे। देखिए अब एक इंसान खुद नहीं पहन सकता तो उसकी मदद तो करनी चाहिए ना। तू नहीं पहन सकता पाओ जी, मैं ना पाई मेरी बूट, मेरी मिसेज अभी ना ओवर एज जो आप ना वो उसको पता चल जाए ना पैसे किया चूड़ियाँ पहनाई ऐसे करके, तो वो कहती जाओ फिर कोई नहीं, तो आपका तो शूज का है, आपने कभी जूते पहनाए हैं? जूतियां आ जंदियां। अच्छा मैंने देखा है ये मर्द हजरात को जूतियां पहनाने का भी बड़ा शौक होता है। नहीं वो मैं ये बहुत पहनाते बड़ी प्यारी बेटियां बहुत अच्छी है बच्चियां ना, नहीं नहीं बच्चियां बहुत अच्छी हैं, वो कहती नहीं कल आप ज्यादा सियाने हैं, मैं 90 दी गल्ला किस तरह नहीं कर रहे से करते हैं आप तो स्टेप खोल खोल के पहनाते नहीं नहीं वो पता क्या बात है ओवर एज होती ना जो, तो वो लेकिन लेडीज जो ऐसी आपकी तरह है गुड़िया की तरह वो नहीं कहती, नहीं आप अंकल ज्यादा है, अंकल ज्यादा है, लेकिन वो तो हमारा तो लड़ाई घड़ी दी घड़ी होती ना, वो प्यार भी है ना हमारा, मैं तो मैं मना भी लेना। यानी कि आप दोनों में से कौन ज्यादा नीचे लगा हुआ ये बर्दाश्त? नहीं मैं बुद्ध की खिदमत, वो सारा दिन काम करती रहती है तो मैं उसका सर भी दबा देता हूँ, गला भी दबा देता हूँ कभी, जरा ज्यादा लड़ाई वाली बात करती तो वो फिर खुश हो जाती गला दबाने से, नहीं तो मैं गला पक्का दब देना, एक बुड्ढे वाली क्यों देनी बहुत दबाता था, पर्चा करा देंगे। आज हमारा सवाल भी है मुझे बताएं वो कौन सी ऐसी चीज है
जो जितना मर्जी आप खा लें वो पूरी ही रहती है। कौन सी है? मैं फिर थोड़ी देर आके दादा मैं भी थोड़ी देर आज फिर आप हमें चाय पिला रहे हैं दिमाग दिमाग है ये नहीं खाता वो तोबा जाला मैं बुड्ढी दा ते इतना ही करता इनका दिमाग वैसे ही मोटा है खायो जितना मर्जी उन्ना ही रहंदा होता इतनी जिंदगी उन्होंने गुजार ली है बस कर दे उन्होंने जंग पवाए बैठे हो कितनी उम्र है आपकी यही को 30-35 साल बस इतनी तो मेरी है चले आप आपको पैगाम देंगे खवातीन को पैगाम यही है मैं पता क्या सुनाऊंगा आपको सुनाए 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 शेर सुनाए को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले के खुदा बंदे से खुद पूछे के बता तेरी रजा क्या है जबरदस्त आप शेर सुनाए पता क्या है वो क्या कहते ना ये जो एक मैं मैसेज देना चाहूँगा लेडीज को खास तौर के जिन्होंने हम मेरे एज चाचे वो फर्मा बरदारी करें अच्छा जी हाँ जी 5 वक्त नमाज पढ़े अल्लाह के बाद नबी पाक ने फरमाया कि सहाबा कराम बैठे के यार सर दिल करता है सजदा करन नबी पाक ने फरमाया कि नहीं अगर सजदे की इजाज़त होती तो बीवी अपने खामद को सजदा करती लेकिन वो तो नहीं करना लेकिन वो ये मकाम बता दिया उसका लड़का कि इतना मकाम इस तरह बाप का भी और इस तरह शोहर का भी तो मैं यही कहूँगा आप भी चूँकि वो क्या कहते हैं शादीशुदा ही हैं तो मुझे नहीं पता था कि आप शादीशुदा नहीं हैं मैं आपको ही कहूँगा अपने मियाँ की खिदमत करो वो भी आपसे खिदमत करेगा आपकी जब आप उसको ऐसे कहो पानी का गिलास पिला दे लो आप पे पी लो मेरा सिर दुखन गया मैंने कभी ऐसे नहीं तो नहीं किया मैं दूसरे ने कह रहे हैं बेटे तो कभी गिलास भी जो है ना वो हाथ में नहीं पकड़ाया ट्रे में रख के पिलाया पानी तुम तो सोशल मीडिया ताड़ी ते तुझ ते सिखियां सारियां जावा ते साडे गिण गिण वाला पढ़ दे दे अपने पिन गिलास ऐसे नहीं मैंने कभी किया चले ठीक है बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच मैं ये आपको लाहौर न्यूज़ बेटे वालों को कहूँगा कि जो दोनों बेटियाँ हैं वेरी वेरी गुड गर्ल्स वेरी वेरी गुड हैप्पी इतना खलाक प्यार से इंटरव्यू करती हैं कि दिल जीत लेनी है साढ़े बुढ़े बंदे तो इनकी तनख्वाही भी बताओ फैसिलिटियाँ भी करो तो ये दिल जीतने का ये नहीं कि बिटिया हमने नहीं कहा नहीं ये मैं वैसे कह रहा हूँ ना देखो आपने तो नहीं कहा लेकिन देखो हम आपको दुआएं दे रहे हैं आप आपके दुआ का हिस्सा है ना ये भी यहाँ पे कहती हैं कि जी आप अंकल आए तो हम इनके लिए ये सारा करते हैं तो ये भी मीडिया वालों से कह रहा हूँ मैं कि इनकी अब महंगाई बहुत है मेकअप पे बहुत खर्चा है पेट्रोल और ऊपर से ब्रांडेड मेकअप ब्रांडेड इतना महंगा ये किधर है इतने महंगी चीज़ें हैं तो लेनी पड़ती तो बहुत शुक्रिया लेती हूँ मैं अल्लाह आपको हैप्पी हैप्पी रखे बहुत शुक्रिया थैंक यू व्यूअर्स आपने देखा बड़ी नटखट सी गुफ्तगू थी इनके दरमियान बड़ी मज़े की दिलचस्प बातें हुई बाप बेटे के दरमियान बस दोनों की लड़ाइयाँ और थी नहीं ये ऐसे हैं नहीं ये ऐसे हैं नहीं ये ऐसे हैं यही होता है कि औलाद जो है ना वो अपने पेरेंट्स को देखती है कि वो अपनी आपकी वालिदा के साथ कैसे हैं तो ऐट द सेम टाइम वो जब कोई और आने वाली घर आने वाली बहू होती है या औरत होती है बीवी होती है उसके साथ आपके बेटे का रवैया भी अच्छा हो जाता है अगर आपने यही रवैया दिया कि आप अपने मतलब मारते रहे हैं पीटते रहे हैं तशद्दुद करते रहे हैं बेइज्जती करते रहे हैं कमतर उसको महसूस करवाते रहे हैं आपकी वालदा को तो वो बेटा भी यही करेगा तो हम आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं आइए मेरे साथ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम क्या नाम है आपका सोबिया 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 चने खा रही हैं चश्मा लगाया बाल खुले हैं शॉपर हाथ में है बैग हाथ में है क्या कर रही हैं क्या इरादा है इरादे तो नेक हैं क्योंकि आज ना हम लोग एक्चुअली निकले थे कुछ स्वीडिश खाने के लिए हमने पहले डोनट्स खाए हैं अच्छा। डोनट्स खाने के बाद हम यहाँ आए हवा बड़ी मज़े की चल रही थी आजकल सोशल मीडिया पे भी एकदम डोनट्स छाए हुए हैं क्या हुआ है डोनट्स क्या ख़त्म होने वाले हैं क्या वो बनना ख़त्म हो जाएंगे नहीं आज मेरी स्टोरीज में डोनट्स डोनट्स ही आ रहे थे बस आज दिल किया था डोनट्स खाने के लिए और सुना है कि बड़ा ज़बरदस्त इसका एक नया वर्जन ब्रांड आ रहा है इसका एक नया इसका हो रहा है तो हमने कहा हम भी ट्राई करते हैं आज हम भी डोनट डे मनाते हैं आपने शाम में चश्मा लगाया खैर है भाई आज बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आपको शाम में मॉडलिंग में चश्मा लगाते नज़र आते हैं ओ आई सी मैंने अक्सर देखा है एयरपोर्ट पर भी उन्होंने चश्मा लगाया होता है शोज में भी लगाया होता है ठीक है ज़िंदगी कैसी गुजर रही है ज़िंदगी के बारे में बताएं ज़िंदगी जी इससे पहले बहुत अच्छी गुजर रही थी 2 साल पहले और अब थोड़ा सा मुश्किलात में है मुश्किलात में क्यों ऐसा क्या हुआ है बस जी हर तरफ आपको पता है बहुत ज़्यादा महंगाई है अब लिबर्टी में भी देखें शाम के टाइम लेकिन औरतों की शॉपिंग नहीं ख़त्म हो रही जी कहाँ पहले ये 2 साल पहले इन हाथों में शॉपर ही शॉपर होते थे आज आज एक ही है शॉपर है तो आप क्या लिया आपने आज मैंने शूज़ लिए हैं जी शूज़ लिए हैं अच्छा लड़कियों को बड़ा शौक होता है उनके पास कपड़ों का बहुत ज़्यादा होता है ज्वेलरी का बड़ा शौक होता है आपको सोबिया किस चीज़ का शौक है मुझे कपड़ों का कपड़े ही ज़्यादा पसंद है ख़रीदना मैं अच्छा मेरा भी ज़्यादा ध्यान नहीं जाता जूतों पर कपड़ों पर होता है बस कपड़े ही ले लूँ और जितने कपड़े उतने कम लगते हैं जी मैंने उस दिन रफली वैसे काउंट किए
इतने ज्यादा कपड़े थे तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने तो इस चीज का जवाब भी देना है जी। इतने कपड़ों का है ना जी। आपको कभी महसूस हुआ है? जी जब मुझे महसूस होता है तो फिर मैं इसमें से जो मेरे बेस्ट वन होते हैं ना वो निकाल के सारे बांट देती हूँ ताकि जगह रियली बेस्ट वन दे देती हैं। बेस्ट वन क्योंकि आप वो फटे पुराने देने का तो फायदा नहीं ना होता। वैसे लोग तो घिसे हुए कपड़े अपने लोगों को देते हैं। अब ये मेरे देखे यकीन माने ये ईमान है, अगर आप करें हाथ से निकालेंगे या देंगे ना तो आपको अल्लाह ताला उससे ज्यादा अच्छा बेस्ट देता है क्योंकि अब अल्लाह के रास्ते में बेस्ट देते हैं तो अल्लाह ताला फिर आपको बेस्ट वापस कर। वैसे मैं ऑनेस्टली बताऊँ आई एम रियली इम्प्रेस कि आप जो है वो लोगों में इतनी करेज नहीं होती कि इतने महंगे अपने अच्छे बेस्ट कपड़े जो हैं वो किसी को दे दें। अगर आप ऐसे करती हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। मुझे भी इससे नसीहत लेनी चाहिए, जो मुझे देख रहे हैं उनको भी इस चीज़ से नसीहत लेनी चाहिए कि लाइफ में ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी बेस्ट चीज़ें लोगों को देते हैं। इसमें आपको कभी महसूस हुआ है कि बदले में आपको भी रिवॉर्ड मिला हो कहीं ना कहीं से? जी बताया ना कि जब मुझे होता है कि मैं मुझे कोई ये सूट निकालूंगी तो कोई नया आएगा ना, अगर मैं उसी को पकड़ी रखूंगी ये बड़ा अच्छा सूट है बड़ा अच्छा सूट है तो वो फिर नया नहीं आएगा। तो मुझे रिवॉर्ड ये मिलता है कि जब मैं वो जब करती अपनी बहुत फ्रेंड्स को या अपने को इधर जो मुझे ज़रूरत होता है कि भाई इनको बिल्कुल बल्कि कहती हूँ तुम्हें कौन सा अच्छा लग रहा है तो वो कहती है तुम्हारा सूट बहुत अच्छा तो मैं कही तुम ले लो तो उसके बाद मुझे इतने अच्छे अल्लाह ताला बल्कि नए और उससे अच्छे कपड़े लगता है। आप दोस्ती में काफ़ी अच्छी हैं, आप मेरी दोस्त से पूछ सकते हैं। चले आप मुझे बताएं हमारा आज का सवाल है वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको जितना मर्जी खा लें वो पूरी ही रहती है? ये तो मैंने पहले बताया कॉमन सेंस में बिल्कुल नहीं है। मैं भी नहीं हूँ कोई बात। अच्छा जो सारी खा लें तो फिर भी वो पूरी रहती है इंसान का मेरा ख्याल है कि क्या हो सकता है? नहीं गुस्सा तो हम पीते हैं, गुस्सा तो हम पी जाते हैं खा लें तो नहीं। खाने वाली चीज़ है, हिंट दे देती हूँ। अच्छा है खाने वाली चीज़? खाने वाली चीज़ वाली इधर उधर वाली नहीं है, खाने वाली चीज़ नहीं है कुछ। आपका चनों का चम्मच गिर गया। अच्छा तो अच्छा खाने वाली चीज़ है तो खाने वाली चीज़ तो जो खा ले वो खाई जाती है। नो चले कोई बात नहीं, आपको जवाब नहीं आता कुछ शेर सुनाएंगे? तेरे बगैर किसी चीज़ की कमी तो नहीं, तेरे बगैर तबीयत उदास रहती है। किसके बगैर बता दें, किसके बगैर? बस ये हवाओं के बगैर, पहाड़ों के बगैर। अलग से आपको पहाड़ पसंद है? मैं बेसिकली ट्रैकर हूँ और ट्रैवलिंग करती हूँ। अच्छा नाइस, तो क्या डर नहीं लगता आपको? नहीं बिल्कुल नहीं लगता, ट्रैवलर जो होकर डरना हो तो फिर ट्रैवलिंग का फायदा ही क्या। तो मुझे भी किसी दिन बैग में डाल के ले जाएं। मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच सोबिया, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स आपने देखा सोबिया से हमारी बात हुई, सोबिया जो है वो ट्रैवलर हैं और लाइफ को अपने इंजॉय करती हैं। हम आगे बढ़ते हैं और भी लोग हमसे बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? फरजाना इरफान। फरजाना कहाँ जा रही हैं शॉपिंग करके इतनी ढेर सारी? इतनी वो लेके जा रही है। जा रही हैं कहाँ जा रही हैं थोड़ा सामने तो देखें। फिर दोस्त मार्केट जा रही है। दोस्त मार्केट घर है आपका? जी। अच्छा बताएं मुझे कि आपकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? बस ठीक ही है, महंगाई तो बहुत ज़्यादा। आप जो है वो मैरिड है? हाँ जी। ठीक है, मैरिड लाइफ ज़्यादा अच्छी होती है या इससे पहले जो ज़िंदगी होती है बैचलर्स लाइफ? पहले मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होती? अच्छी भी होती है पर वो ना जिम्मेदारियाँ आ जाती है। जिम्मेदारियाँ? अभी आप अकेली आई हुई हैं? हाँ जी अकेली। मुझे तो लगता है आप तो बड़ी मासूम सी लग रही हैं, बाहर निकल जाती हैं आप? नहीं बस अब मजबूरी थी तो निकलना पड़ा। बेडशीट इतनी ज़रूरी थी? जी। ठीक है, सवाल हमारा आज का जल्दी से पूछ लेते हैं आपसे, वो क्या चीज़ है जो कि जितनी मर्जी खा ली जाए वो पूरी ही रहती है? खाना बना लेती हैं? हाँ जी। उनको एक रेसिपी तो बताएं जरा। रेसिपी किस चीज़ की? मतलब कढ़ाई की बता दो। कढ़ाई की बता दो। कढ़ाई की बहुत इजी रेसिपी है, उसमें ना आपने सारी चीज़ें डाल के थोड़ा सा दही भी डाल के नमक मिर्च टमाटर प्याज सब कुछ आपने ग्राइंड करके डाल के मुझे पानी उसका खुश्क हो जाएगा उसको अच्छी तरह भून लें ऊपर फिर गार्निशिंग कर दें तो आपकी कढ़ाई तैयार है। अच्छा आप खाली टमाटर वाली कढ़ाई नहीं बनाती? नहीं प्याज वाली, प्याज भी डाल। हाँ जी ग्रेवी आपको चाहिए होती है। चले बहुत शुक्रिया आपके वक्त का रुसाना, थैंक यू सो मच। फरजाना सॉरी व्यूअर्स रुखसाना ही बना दिया मैंने उन्हें। जीऊँगी मैं कैसे इस हाल में बरसों, मौत ना आई तेरी यार जो आई है लंबी जुदाई। बस यहाँ पे वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस।
वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं आ चुके हैं वापस और इस वक्त हमें लिबर्टी मार्केट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो लोगों का रश है, लोगों से हम बात कर रहे हैं, उनसे सवाल कर रहे हैं। आज की हमारी जो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है वो ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको जितना मर्जी खा ले पूरी ही रहती है। बढ़ते हैं लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? क्वाइट वेल, थैंक यू। हाउ अबाउट यू? व्हाट्स अप? व्हाट्स अप? वेयर आर यू फ्रॉम? So I'm from Kenya, Nairobi to be specific. Okay, nice. Can you tell me about Pakistan? Do you like it? Do you like Pakistan or people? Yes, so I like Pakistan. I like the people, one of the most kindest people that I've ever actually met. Really? Are they nice? Yeah, Pakistani people are very kind, very polite. I have not had a bad experience with the Pakistani people. They've been very kind and I've been here for 3 months now. 3 months? What are you doing here? I was here for working purpose or what? I was here for a volunteer project. Volunteer project. What kind of project? Please, can you elaborate? I came here through ISEC. So ISEC, they're able to connect you to some of the organizations where you get to work with the local community. Yeah. Okay. Nice. What is your name? My name is Anne. Anne? Yes. Nice name. Anne, have you ever tried like shalwar kameez or jhumkas? What are those? Shalwar kameez, like clothes, Pakistani clothes? Yes, I actually have bought some. I have a full, I think, half a suitcase full of the Pakistani clothes that I'm going to take home. So there's the one that the coats that you guys wear for winter. Okay. So I got a couple of them for sure. Okay, very nice. And what about the food? Do you like the food? Golgappa, biryani? Like Pakistani food is very spicy. Yeah, well, it's spicy, but I'm already used to it. It's very nice. I actually like the biryani. Then the sajid, which was very nice. Sajid. So I like the sajid. It was very nice. The biryani from Karachi, that did magic to me. Who is he? Sameer. So Sameer is actually one of the opportunities providers. So he's one of the members of ISEC, and it's through him that I was able to come to Pakistan. Do you have friends in Pakistan? Yes, I do have a couple of friends. So many friends in Pakistan that it's become one of my home. But Lahore is like my... And when are you going back? I'm going back tonight. Tonight? Yes. Really? Are you leaving? Yes, I'm leaving. My stay has been 3 months. Oh, so sad. Yes, but it's When is your flight? 3 a.m. tonight. 3 a.m. Yeah, tonight. So Friday morning. Friday. So thank you so much. Thank you. You are here, and I hope you enjoyed a lot here. And can you say something about Pakistan on camera? So basically, what I'd say about Pakistan. Despite everything that's shown in the media, Pakistan is such a beautiful country, amazing people, very kind people, and I loved my experience in Pakistan. Thank you so much. Thank you very much. Thank you for your time. Allah Hafiz. Allah Hafiz. व्यूअर्स, आपने देखा कि कीनिया से इनका ताल्लुक़ था और इनकी चॉइस थी कि इनके बाल नहीं थे, जैसे मेरी चॉइस थी कि मेरे बाल हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और भी लोग उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अनीफा असद। फिजा असद। दोनों बहनें हैं? जी जी। यार आप इतनी गोरी कैसे हैं आप दोनों? नेचुरल ब्यूटी है। नेचुरल ब्यूटी है ना, ऐसा लग रहा है आप तो अंधेरे में भी नजर आ जाती होंगी दोनों। गोरी नहीं है। मैंने देखा है जब काले लोग तो बेचारे गायब हो जाते हैं, हम जैसे आप जैसे लोग जो हैं वो रोशनी में। आप ज्यादा पर्सनैलिटी गोरी लग रही है हमसे तो। मैंने तो बेस लगाई हुई इसलिए लग रही हूँ। मुझे ये बताएं कि लिबर्टी में आप क्या कर रही हैं, कहाँ घूम रही हैं? किसी की शादी की शॉपिंग। जबरदस्त यार, वेडिंग सीजन आ गया। यकीन माने पिछले साल किसी ने मुझे शादी पे नहीं बुलाया। बहुत अच्छी ढोलकी बजाती हूँ मैं। ये सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मुझे शादी में बुला ले। मोस्ट वेलकम। ये तो बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात होगी कि मैं आ रही हूँ, और शादी है भी आपकी कजन की, आपके बहन भाई की होती ना तो मैं फिर भी आ जाती। मैं कहती चलो यार चलते हैं रैंडम शादी पे। इन्वाइट नहीं करता तो हमने सोचा चुप करके वेन्यू बता दें, मैं ना वहाँ पहुँच जाऊँगी, फिर हम कहेंगे ओ आप तो वही थी जिन्होंने इंटरव्यू लिया था। चले आप बताएंगे दोनों करती क्या है। मैं DPT कर रही हूँ, थर्ड ईयर है। अच्छा, ये DPT वालों को लोग जो है ना वो समझते ही नहीं है कुछ, ऐसा है? है बट समझते हैं कि डॉक्टर ही नहीं है। बट आने वाले 10 सालों में आप देखिएगा। जी जी, ये इस चीज़ को हमें लोगों को एक्नॉलेज करना चाहिए कि हर डिग्री जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। आप मुझे बताएं आप क्या करती हैं? मेरी BS बायोकेमिस्ट्री रिसेंटली कंप्लीट हो गया है, डिग्री मास्टर्स ऑफ बायो। आप दोनों की अपनी शादियाँ कब हैं ये बताएं? बस अभी टाइम है। आप
बहुत टाइम है अभी जब किस्मत में हुआ था अभी इंशाल्लाह जरूर। डर लगता है शादी से? नहीं, डर किस बात का? मेरा निकाह के पता नहीं। अच्छा, निकाह हुआ वैसे? चले आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मेरा निकाह। अरे क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तो कैसी फीलिंग थी जब वहाँ पे निकाह हुआ मदीना में? बस बहुत हार्ट टचिंग फीलिंग थी। आपका थोड़ी ना हुआ है, उनका हुआ है। नहीं, मदीना में हुआ ना, तो फीलिंग्स तो अच्छी होंगी। आप कहाँ चाहती हैं, आपका कहाँ हो? मैं टाइम पे डिपेंड करेगा और दूसरा सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, बट मेरा भी यही शौक है कि मैं मदीना। इनका तो हुआ है माशाल्लाह। आप मुझे बताएं, आप क्या सोचती हैं एक लड़के में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, हर लड़की को यह ये देख कर लड़के को चूज़ करना चाहिए? लविंग हो, केयरिंग हो, रिस्पेक्टेड हो। कैसे ना हो? पैसा डिपेंड नहीं करता, रिस्पेक्ट डिपेंड करती है। एहसास करने वाले रिश्ते होने चाहिए। पैसा तो हम खुद डॉक्टर से खुद ही अर्न कर लेंगे। जी जी, ये बात है। चले, एक हमारा कॉमन सेंस का आज का सवाल है कि वो क्या चीज़ है जिसको आप जितना खा लें वो पूरी ही रहती है? क्या चीज़ खा लें? हिंट दे दें कोई। खाने वाली चीज़ है। जाएं, आप इतनी प्यारी हैं, आप लोगों को मैं हिंट दे देती हूँ कि नाश्ते में खाने वाली चीज़ है। पराठा, अंडा पराठा। नहीं नहीं, वो क्या चीज़ है जिसको आप जितना खा लें वो पूरी ही रहती है? हलवा पूरी। हलवा पूरी। देखिए, मैं ना जब मेरा दिल हो ना तो फिर मैं हिंट भी दे देती हूँ। बिल्कुल, आप लोगों ने सही जवाब दिया है। क्या आप मैसेज क्या देना चाहेंगी देखने वालों को? बी काइंड एंड बी रिस्पेक्टफुल। यार आजकल ना हमदर्दी करने वाले लोग बहुत कम हो गए हैं। एहसास चाहिए लोगों के रिश्तों में, एहसास होना चाहिए। बेचारे एहसास करने वाले होते हैं ना, उनके साथ होता बहुत बुरा है। ऐसे ही है लोग, वो कहते हैं ना कि वो हज़रत अली का कौल है कि जिस पे आप एहसान करो उसके शर से बचो। तो मैंने बड़े लोगों को देखा है कि आप उन पे एहसान करें, वो ही आपको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे हैं ही, ऐसे ही। चलें, कोई बात नहीं, बट आपको अच्छा रहना चाहिए, लोग चाहे जैसे भी हों। आपको जो है वो सिर्फ तवक्को रखनी चाहिए अल्लाह से कि अल्लाह ताला इस चीज़ का अजर देंगे। अल्लाह पे होना चाहिए। मुझे लग रहा है आप अभी लेक्चर देना शुरू कर देंगी। थैंक यू सो मच, ऐसे ही रहें आप लोग, ऐसे ही खूबसूरत रहें। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा दो बड़ी ही खूबसूरत प्यारी लड़कियां, और बड़ा अच्छा मैसेज उन्होंने दिया। तवक्कल अल्लाह पे होना चाहिए, आपको लोग जो मर्ज़ी कहें। आप जिस पे मैंने देखा है कि जिस पे आप एहसान करते हैं उसके आप शर से भी बचने की कोशिश करें, क्योंकि वही आपको मुस्तकबिल में नुकसान पहुँचा सकता है। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद निसार जी। क्या करते हैं सर आप? हमारा बिजनेस है, ज्वेलरी का बिजनेस है। चलें बताइए, मुझे लिबर्टी मार्केट में ही है जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी में आपने क्या सीखा अपनी ज़िंदगी से, बचपन जवानी अब तक जो भी आप कर रहे हैं? बहुत कुछ सीखा जी, बहुत कुछ। जो आप हम नौजवानों को बताना चाहते हो? नौजवानों को बताना चाहते हैं यही कि मुल्क के हालात से परेशान ना हो, इंशाल्लाह ताला लाइफ गुजारते हुए आए हैं, यही कुछ देखते आए हैं, लेकिन अल्लाह की मदद रही है और इंशाल्लाह ताला रहेगी। ये वक्त है, ये भी इंशाल्लाह ताला निकल जाएगा। और आप लोगों को, जवानों को भी, और मतलब सारी आवाम को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पे तवक्कल रखें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह इस मुल्क के हालात ज़रूर बदलेगा, ज़रूर अच्छाई आएगी, खुशहाली आएगी, इंशाल्लाह ताला फिर एक दफ़ा खुशहाल होंगे। एक से आपसे सवाल है कि वो कॉमन सेंस का, वो क्या चीज़ है जिसको आप जितना मर्ज़ी खा लें वो पूरी ही रहती है? वो तो सारी दुनिया की नेमतें खा ले, वो तो पूरी की पूरी रहती हैं। तो ये बात तो है, लेकिन इसका जवाब कोई और है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू व्यूअर्स, इन्होंने नौजवान नस्ल को मोटिवेट किया है कि आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, हालात बेहतर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? ओमान। क्या करते हैं आप? मैं फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ। ठीक है, ज़िंदगी में वैसे क्या यही करना चाहते थे? सर्कमस्टांसिस की वजह से हो गया। आई वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर, लेकिन नहीं, और एक्सीडेंटली आप समझ लें कि जो है ना इस फील्ड में आ गए। सो नाउ यू आर हैप्पी? या आई एम कंटेंट विद माय लाइफ। चलें बताएं मुझे, लिबर्टी में आज क्या कर रहे हैं? मैं अभी रिसेंटली कराची से आया हूँ, तो यहाँ पे एक दोस्त को अभी ढूंढ रहा हूँ और हम यहाँ पे बैठ के जो है कुछ ईट आउट करेंगे, जस्ट यही प्लान है। वो दोस्त मिल गया कि नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला। मिलना भी कोई नहीं, नहीं आई गेस के मिल जाएगा। चलें अल्लाह करे आपको मिल जाए। तो कराची और लाहौर, आपका वैसे लहजा लग तो नहीं रहा कराची वाला। नहीं, मैं कराची से नहीं हूँ, मैं बेसिकली हज़ारा से हूँ, हरीपुर हज़ारा। वहाँ पे आप काम के सिलसिले में? हाँ, मैं मतलब इस्लामाबाद, लाहौर, कराची काम के सिलसिले में मुख्तलिफ जगहों पे जाता हूँ। मुझे बताएं, हमारा कॉमन सेंस का सवाल है, आपकी कॉमन सेंस कैसी है? नॉट श्योर, अभी तो मुझे नहीं पता। वो क्या चीज़ है जो जिसको आप जितना मर्जी खा लें वो आधी पूरी ही रहती है? वो क्या चीज़ है जिसको आप जितना खा लें वो पूरी ही रहती है?
पूरी हलवा पूरी। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही जवाब, दिमाग चल रहा है अभी तक। ये आप पहले हैं जिसने खुद जवाब दे दिया, क्या कहना चाहेंगे मैसेज? मैसेज आजकल जिस तरीके से हर कोई माली तंगी का शिकार है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो कोशिश करें अपने इर्द गिर्द आसानियाँ बांटें और ये कोशिश करनी चाहिए कि लोगों को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखें और हमारी वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम, क्या नाम है? अजहर। तुम मुझे इतना घूर के क्यों देख रहे हो और हंस हंस के क्यों देख रहे हो? बताओ। बस ऐसी आप क्या ही लग रही हैं। क्यों तुम बार बार जो है वो मुझे देखने के लिए आ जाते हो? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? नहीं, माँ बहन है। फिर अलग सब है, भाभी भी है मेरी। अच्छा मुझे बताओ वो क्या चीज़ है जिसको जितना मर्जी खा लें वो पूरी ही रहती है? इसको जितना मर्जी खा लें पूरी रहती है, क्या चीज़ होती है पता नहीं। अच्छा मैं अगर एक चीज़ कहूँ तो वो करके दिखाओगे? क्या? गोल गोल घूम के दिखाना है। गोल गोल घूम के? लाइक ऐसे ऐसे घूमते। अच्छा एक दो फिर, चक्कर आए? नहीं। नहीं आए तो जोर से घूमोगे तो चक्कर आएंगे ना। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक। जी जी बिल्कुल। व्यूअर्स आपने देखा, इन्होंने भी गोल गोल घूमा और मैंने भी गोल गोल घूमा, हमारी दुनिया गोल हो गई। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? माय नेम इज अलीज़। है आपका? मुस्कान। दोनों क्या लगती हैं आपस में? बहनें। दोनों बहनें, आप बड़ी आप छोटी। ठीक है, दोनों आज लिबर्टी। उनकी शक्ल से पता लग रहा है मासूमियत है। बताएं मुझे कि आप दोनों जो हैं वो आज लिबर्टी में क्या कर रही हैं? आज हम अपनी फैमिली के साथ मतलब फैमिली टाइम स्पेंड करने आए हैं। शॉपिंग। लाहौर से ताल्लुक नहीं है आपका? लाहौर से। लाहौरी है? पक्के लाहौरी हैं? लाहौरी इन्ने मासूम कदों हो गए? लाहौरी तो इतने मासूम नहीं होते, आप तो बड़ी मासूम है ना इसलिए। ओह मम्मी डैडी, सही बात है। बताएं आप करती क्या हैं? पढ़ाई कर रही हैं? क्या? एट्थ ग्रेड। एट्थ ग्रेड। आप क्या करती हैं? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी। क्या प्लान है, शादी कब करनी है? शादी अभी बहुत दूर है अभी कुछ। शादी से डर लगता है? प्रोफेशनल लाइफ अपनी सही करनी है। बताएं कि शादी से डर लगता है? हाँ, इन लॉस से लगता है। इन लॉस से ही लगता है, मियां बीवी का आपस का कोई झगड़ा नहीं होता, इन लॉस की वजह से होता है। चलें, हमारा सवाल है आज का कॉमन सेंस का, वो क्या चीज़ है जिसको आप जितना मर्जी खा लें वो पूरी ही रहती है? पूरी ही रहती है? पैसा? No! नहीं नहीं, पूरा नहीं होता। पूरी रहती है? बबल? नहीं नहीं, बबल। दिमाग उन्होंने भी बस पूरा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। कुछ सुनाएंगी, कुछ शेर वगैरह कुछ आता है? I don't know. That much. She's very good singer. अच्छा चलें, can you sing a song? Please. For us, for my people. Lily was a little girl, afraid of the big white world. She grew up in the castle walls. बस. Yeah, that's all. अच्छा चलें, thank you so much, thank you for your time. व्यूअर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आज का हमारा सवाल था कॉमन सेंस का कि वो क्या चीज़ है जिसको आप जितना मर्जी खा लें वो पूरी ही रहती है, वो है हलवा पूरी। हलवा पूरी का नाश्ता किया हुआ, वैसे बड़ा अरसा हो गया, बड़ा दिल कर रहा है कि हलवा पूरी का नाश्ता होना चाहिए, लेकिन अभी रात है, सुबह होगी तो नाश्ता करेंगे। तो व्यूअर्स, हम जो है वो हाज़िर होंगे अगले एपिसोड में एक नए सवाल के साथ, एक नई लोकेशन के साथ। मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा, मानूर_सारा786। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।